परासिया में कांग्रेस विधायक और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किसान आंदोलन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर से पहुंचे और केंद्र की मोदी सरकार के लाए कृषि कानून पर विरोध जताया। किसान आंदोलन में विधायक स्वान वाल्मीकि ने जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और मोदी सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। इस दौरान उन्होंने किसान सम्मान निधि को लेकर भी पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर कई सवाल खड़ा किए। स्वान वाल्मीकि ने कहा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो जिला छिंदवाड़ा में सारे कार्य चल रहे थे, वहीं भाजपा सरकार आने पर सारे कार्य प्रदेश में रोक दिए गए हैं। आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने बिल को वापस करने की मांग करते हुए एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कृषि कानून वापस नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। लाया गया जो तीन कानून है, कृषि वाला जो अध्यादेश पारित किया गया है वो काले कानून के खिलाफ है। उस काले अध्यादेश के खिलाफ में आज पूरे परासिया विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में किसानों ने इसका विरोध किया है और निश्चित रूप से जिस तरीके से किसानों ने अपनी भागीदारी इसके अंदर निभाई है वे केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। वो समय रहते उस बात को समझे और वो जो अध्यादेश लाया है कानून अध्यादेश उसको वापस लिया जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।